तो फाइनली जो हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है iOS 17.1, अगर अपने आईफोन में आप चेक करोगे तो ये अपडेट जो है आपको यहाँ पे देखता हुआ मिल जाएगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आईफोन्स में मेरे अपडेट आए हुए हैं। बट अगर बात करो इसको लेकर के, तो यहाँ पे XR पे मैंने जो इसको अपडेट किया था, एज़ यहाँ पे बीटा वर्जन मैंने पहले इसको इंस्टॉल किया था, और यहाँ पे आप देख पाओगे आईफोन 11 पे तो ये स्टेबल वर्जन पे था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे छोटा कम अपडेट यहाँ पे देखने मिल रहा है 1 GB की। एंड इसके अदर साइड पर आपको देखने मिल रहा है थोड़ा सा ज़्यादा फाइल साइज़, क्योंकि यहाँ पर मैंने बीटा वगैरह यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे, अगर आप सोच रहे हो अपडेट करने को लेकर के, तो आप अपने आईफोन 11 पे यहाँ पे अपडेट वगैरह कर सकते हो। एंड हालांकि देखने जाओ यहाँ पे आप आईफोन 12 पे भी आपको देखने मिल जाएगा, बट अगर आप सोच रहे हो ग्रीन स्क्रीन को लेकर के, इश्यूज़ वगैरह को लेकर के, तो ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो इसको अपडेट कर सकते हो। बट अगर बात की जाए इसका अपडेट को लेकर के, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस वगैरह हैं। एंड मैं इसको अपडेट करने वाला हूँ, उसमें क्या चेंजेस वगैरह आने वाले हैं इस पर वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको कैसा लगा वीडियो मेरे को बताओ कमेंट में, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो।